गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर से बरहमपुर। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, जगह का नाम है मोहुरी काड़ुआ और ये बहुत फेमस माता का मंदिर है। तो जाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे, फिर वापस चलेंगे हमारे गांव की तरफ। आज हम लोग घर नहीं पहुंचने वाले हैं, बीच में एक हमारे रिलेटिव है उनके उधर आज रुकने का प्लानिंग है और आज कल सुबह निकल के हम लोग मेरे घर की तरफ जाएंगे, फिर वहां पे एक हफ्ता रुकेंगे, फिर बैक टू मुंबई। उसके बाद में नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगा। तो हम लोग का प्लानिंग आज एकदम प्लानिंग कुछ रहा ही नहीं, मतलब हम लोग प्लान किए थे कि 7 बजे करीब निकलेंगे, 7-7:30 बजे, लेकिन हम लोग को निकलते निकलते मतलब भुवनेश्वर छोड़ते छोड़ते 9:30 हो गया। सो फॉर टुडे देयर इज नो प्लानिंग। और वैसे भी सुबह आते थे तो धुंध बहुत ज़्यादा था, पता नहीं रास्ता का विजिबिलिटी बहुत कम था, दिखता था नहीं दिखता था, और अभी तक कहाँ पे पहुँचते थे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एक आज दिखाएंगे एक दर्शनीय स्थान, एक माँ का मंदिर। चलिए बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, सड़क कितना खूबसूरत है यहाँ पे, ना रोड्स है ना ओडिशा में बहुत ही अच्छे हैं, मेंटेनेंस एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जो हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, ये है ओल्ड नेशनल हाईवे नंबर 5। अभी न्यू नंबर क्या है एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता है। गूगल मैप्स के हिसाब से 16 बता रहा है, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो हाईवे है ये कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है और इस रूट के ऊपर भुवनेश्वर से हम लोग निकलेंगे तो छतरपुर, बरहमपुर, गोपालपुर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा तक भी ये रोड जाता है और हैदराबाद के लिए भी विजयवाड़ा से आपको रोड मिल जाएगा। चेन्नई जाना है तो डायरेक्टली इसी रोड से आप चेन्नई पहुँच सकते हैं। तो ये बेसिकली साउथ को कनेक्ट करता है वाया आंध्रा। रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है, पहले ये 2 लेन हुआ करता था
लेकिन अभी ये 6 लेन की हो गई है ये सड़क। बहुत ही अच्छा कंडीशन है रोड कंडीशन। कहीं पे आपको कोई मतलब पोर्ट होल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बोल सकते हैं कि खड्डा मुक्त सड़क। और इस रोड पे जो नेचुरल ब्यूटी है ना, क्या बताऊं मैं आपको, ये देखिए, ये अभी हम लोग फोरदा डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और खूबसूरत पहाड़ मिलेंगे आपको देखने के लिए। और खोरदा का जैसे अपना एक इतिहास रहा है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम में जो पाइक विद्रोह हुआ था, तो उसमें खोरदा की बहुत बड़ी भूमिका थी। खोरदा क्रॉस करने के बाद में हम नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के बाद में हम गंजाम डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे और रास्ते में जो चिल्का लेक है ना, वो भी मिलेगा। बहुत ही फेमस लेक है उड़ीसा का, चिल्का, चिल्का। हाँ, बट हिंदी में उसको चिल्का बोल देते हैं लोग, एक्चुअल नेम है चिल्का।
फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं एक 5 मिनट में माँ के मंदिर के पास में। फ्रेंड्स देखिए, नज़ारा देखिए, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में एक छोटा सा रोड और रोड के दोनों तरफ पेड़, घने पेड़। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इट्स अ स्मॉल ट्री टनल। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। एकदम शांत एरिया है, ट्रैफिक का बहुत मूवमेंट नहीं है, बाइक्स वगैरह जा रहे हैं और ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। तो माँ का जो मंदिर है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर। मंदिर स्टार्ट हो गया, चलिए हम मंदिर के पास पहुंच के मैं फिर आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ। मंदिर है माता का, इसका नाम महुरी कालुआ इसके लिए रखा गया कि ये जो माँ है उनका नाम है कालुआ और जो महुरी डायनास्टी मीन्स महुरी साम्राज्य के जो राजा थे इनका पूजा करते थे, इसके लिए मंदिर का नाम महुरी कालुआ रखा गया है। माँ का मंदिर अभी जो मैंने आपको पहाड़ दिखाया ना, पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में स्थित था पहले और वहाँ पर जाने के लिए 675 स्टेयर्स को चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था और जो पुजारी थे वहाँ पे वो वक्त के साथ में उनका उम्र बढ़ता गया और वो वहाँ पे जाने में असमर्थ रहे। तो माँ से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ, मैं तो रोज़ तेरे पूजा के लिए नहीं आ सकता, तो तेरी पूजा कैसे होगा। तो माँ ने क्या किया, उनके सामने एक लोटा रखा हुआ था, वो लोटा को नीचे फेंका और ये बोला कि नीचे जहाँ पे भी ये लोटा गिरेगा वहाँ पे मेरा मंदिर बनाना, मैं वहाँ पे प्रकट हो जाऊँगी। तो उसी दिन से यहाँ पे माँ का मंदिर बनाया गया और माँ यहाँ पे तब से विराजमान है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए ना भूलें।